बिहार चुनाव के वक्त एक पार्टी और एक युवा नेता ने खूब सुर्खियां बटोरी। नेता का नाम है चिराग पासवान और पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। हालांकि तब सुर्खियों के अक्षर कुछ और थे, चिराग के तेवर उनकी पार्टी का रवैया कुछ और था। लेकिन चुनाव परिणाम से लेकर अब तक गुजरे इन 4 से 5 महीनों में ऐसी स्थिति आ गई कि सैकड़ों प्रतिनिधि लेकर विधानसभा में प्रवेश करने का दावा करने वाले चिराग अब शून्य की सवारी करने को मजबूर हो गए। जी, चिराग पासवान ने अपने इकलौते विधायक राजकुमार सिंह से भी हाथ धो लिया है। मंगलवार को मटिहानी से विधायक राजकुमार सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया। कहने को राजकुमार सिंह उस कारण बताओ नोटिस से नाराज चल रहे थे जिसे लोक जनशक्ति पार्टी ने उनके द्वारा बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जेडीयू उम्मीदवार को समर्थन देने पर जारी किया था। लेकिन हकीकत तो ये है कि राजकुमार सिंह का जेडीयू में शामिल होना पहले से तय था। अक्सर राजकुमार सिंह नीतीश कुमार की प्रशंसा और जेडीयू नेताओं से मुलाकात करते नजर आते थे। मैं एनडीए का पार्ट था और एनडीए में होने की वजह से और पार्टी की जो हमारी नीतियाँ थी वो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं कि एनडीए में है नहीं है, तो मुझे तो एक स्पष्ट अपना निर्णय लेना था। मैं एनडीए में था तो मुझे लगा कि एनडीए के साथ जो मेरी विचारधारा मेरी मानसिकता से मेल खाती है मैं उसके साथ। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो थे काफ़ी घमंडी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि चिराग पासवान जी से मेरा बहुत ज़्यादा कोई इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं, इसलिए मैं इसका कोई जवाब मुख्यमंत्री के बारे में हमेशा वो भला बुरा कहते थे। अब बिहार में उसकी मैंने हमेशा भर्त्सना की है, मेरी निगाह में मैंने शुरू में भी कहा था जब आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि मुख्यमंत्री मेरे आदर्श रहे हैं शुरू से, तो चिराग पासवान क्या उनके बारे में कहते हैं उनकी सोच हो सकती है, मेरी सोच ये कभी नहीं। ऐसे में अब दो सवाल खड़े होते हैं। पहला ये कि जिस पार्टी का दामन राजकुमार सिंह ने थामा है उस पार्टी में उनका भविष्य क्या होगा, और जिस पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ दिया उसका भविष्य क्या होगा। शुरुआत राजकुमार सिंह के भविष्य से करते। राजकुमार सिंह बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी के करीबी हैं। नीतीश कुमार की नीतियों और जेडीयू की विचारधारा से प्रभावित हैं। ऐसे में राजकुमार सिंह को जेडीयू पार्टी के संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने की बात भी कही जा रही है। हमारे साथ हमारे स्कूल के डेज से राजकुमार जी हमारे मित्र रहे हैं और स्कूल में हम लोग साथ थे, मैट्रिक हम लोग साथ किए हैं और एक अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, अच्छा व्यक्तित्व है। 2015 में जब हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय भी ये पार्टी से टिकट के लिए प्रयास किए थे लेकिन हमारी सीट कांग्रेस को मिल नहीं पाई तो हम उनको मदद नहीं कर पाए थे। अब जब ये आए तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। हमने नीतीश जी से बात किया और राजकुमार जी हम लोग के साथ आए और लोजपा ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था तो आज उसका प्रकटीकरण कर दिए माननीय राजकुमार जी ने, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में बिहार के विकास में एक महती भूमिका का निर्वहन हम लोग मिलकर करेंगे। वही लोक जनशक्ति पार्टी के भविष्य का जिक्र करें तो राज्य में फिलहाल एलजेपी के एक भी विधायक नहीं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एनडीए से हटकर 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन जीत का स्वाद केवल एक ही उम्मीदवार ने चखा। हालांकि वो स्वाद भी फीका पड़ गया जब हाल ही में उन्होंने एलजेपी छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया। मगर लोकसभा में पार्टी के अभी भी 6 सांसद हैं, वहीं मणिपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के एक विधायक हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के 42 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की थी पर जीत केवल 2 उम्मीदवारों की हुई। 2010 और 2005 के विधानसभा चुनाव की भी बात कर लें तो साल 2010 के चुनाव में पार्टी के 3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे तो साल 2005 में जब दूसरी बार चुनाव हुए तो पार्टी के 10 विधायकों ने जीत हासिल की। यानी समय के साथ प्रदेश की राजनीति में पार्टी की परफॉर्मेंस खराब होती चली गई। लोक जनशक्ति पार्टी के जनाधार को मजबूत करने का कोई खास काम नहीं किया गया। साल 2000 में रामविलास पासवान ने दूसरे अन्य नेताओं के साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। जनता दल यूनाइटेड से नाता तोड़कर रामविलास पासवान दलितों और वंचितों की राजनीति करना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार की कूटनीतियों के आगे पासवान की राजनीति टिक नहीं पाई और देखते ही देखते पार्टी बिखरती चली गई। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद चिराग पासवान से कुछ उम्मीदें जगी थी लेकिन उनके हाव भाव भी यही बताते हैं कि उन्हें फिलहाल अपने भविष्य की ही चिंता है, पार्टी की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।